brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मध्य प्रदेश में फिलहाल इंदौर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो इसलिए क्योंकि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। सिर्फ नामांकन वापस नहीं लिया है बल्कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पहले माना गया कि इंदौर में सूरत मॉडल दोहराया जा सकता है, यानी कि बीजेपी निर्विरोध यहां से जीत हासिल कर सकती है, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक अभी भी 14 उम्मीदवार मध्य प्रदेश के इंदौर में चुनावी मैदान में हैं, जिसमें से एक नाम है अभय जैन का, जिनका रिश्ता बीजेपी और संघ से जुड़ा हुआ है। कौन है अभय जैन, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे, जिनकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है, संघ से जुड़े हुए हैं और माना जा रहा है कि संघ से बागी भी हो चुके हैं, विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दो चरण पूरे हो चुके हैं, दो चरण अभी बचे हुए हैं। 7 मई को चुनाव है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, वही मालवा का चुनाव होना है, यानी कि मतदान होना है 13 मई को। उससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। अक्षय बम ने इंदौर से अपना नामांकन वापस ले लिया है, बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बीच जहां कांग्रेस के पास अब कुछ नहीं बचा, वहीं आपको बता दें कि संघ से बागी हुए अभय जैन लगातार मैदान में डटे हुए हैं और बीजेपी का सामना कर रहे हैं। आपको बता दें कि संघ के पूर्व प्रचारकों के द्वारा बनाई गई जनहित पार्टी से अभय जैन चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस के कुछ पूर्व प्रचारकों ने एक राजनीतिक दल बनाया था, इसका नाम जनहित पार्टी रखा गया। इस पार्टी का दावा था कि उन्होंने नया दल बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए बनाया है। इसके अलावा उनकी प्लानिंग सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की थी। आपको बता दें कि अभय जैन ने इंदौर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और अब लोकसभा चुनाव में भी वो खड़े हुए हैं, और माना यह जा रहा है कि अभय जैन जो हैं वो अब सीधी टक्कर बीजेपी प्रत्याशी शंकर ललवानी को देते हुए नजर आएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, बीजेपी तमाम प्रत्याशियों से लगातार संपर्क कर रही थी उनसे नामांकन वापस लेने के लिए। इसी कड़ी में बीजेपी और संघ के कुछ नेता कुछ दिनों पहले अभय जैन से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, जहां पर उनसे नामांकन वापस लेने की बात कही थी, लेकिन अभय जैन ने नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। और अब जब अक्षय बम ने नामांकन वापस ले लिया है, तो माना जा रहा है कि बीजेपी और संघ से बागी हुए अभय जैन शंकर ललवानी और बीजेपी को काफी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बता दें कि अभय जैन का कहना है कि देश में धनबल और बाहुबल का राज चल रहा है, जिसका विरोध जरूरी है और इसी मुद्दे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि अभय जैन NIT भोपाल से MTech छोड़कर 1986 में समाज सेवा में आ गए थे, मध्य भारत प्रांत में सक्रिय रहे, राम मंदिर आंदोलन से भी वो जुड़े हुए थे। साल 2008 में भारत हितरक्षा अभियान शुरू किया था, उन्होंने साल 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। इंदौर एक से बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय और तब कांग्रेस में रहे संजय शुक्ला के सामने अभय जैन भी उतरे थे। वहीं फिलहाल संघ से बागी हुए तमाम संघ प्रचारकों की पार्टी जनहित पार्टी चुनावी मैदान में है, और माना जा रहा है कि इंदौर में अब बीजेपी और शंकर ललवानी को चुनौती देती हुई दिखाई देगी। ये देखना होगा कि आखिर अभय जैन कैसी टक्कर देते हैं बीजेपी को, और क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस अभय जैन का समर्थन करती है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।